अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया, जिसमें हम ये सीरीज प्रोग्राम है, सीरीज प्रोग्राम का एक आगे प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कामयाबी के सीक्रेट्स क्या हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कायदे आजम के फरमान के मुताबिक कामयाबी का सीक्रेट क्या है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कामयाबी के 5 सीक्रेट्स बताएंगे कि 5 सीक्रेट्स को अगर आप फॉलो करें तो आप कामयाबी की अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, इससे पहले हम अपना ये छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइस, कामयाबी का सीक्रेट अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि देखें, हर वो चीज को आपने पीछे छोड़ देना है, अपनी जिंदगी से निकाल देना है, गेट रिड ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ से हर उस चीज को निकाल देना है जो चीज आपको कामयाबी के सफर से पीछे रोके या पीछे धकेले, हर वो चीज जो आपको कामयाबी से पीछे धकेले या पीछे रोके उसको आपने अपनी लाइफ से निकाल देना, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अकॉर्डिंग टू मी नॉट, ये कायदे आजम का भी फरमान है, मैं अभी आपको कायद का फरमान सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कामयाबी का जो सीक्रेट है इसमें, अगर आप हर बंदे की जिंदगी में ना कामयाबी का मतलब डिफरेंट होता है, कैसे, एक सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि कुछ लोग इज्जत चाहते हैं, कुछ लोग शोहरत चाहते हैं, कुछ लोग पैसा चाहते हैं। इज्जत, शोहरत, पैसा, ये 3 चीजें जिसको मैंने अगर कंक्लूड कर लूं तो ये 3 चीजें हैं जी जो हर इंसान चाहता है, हर इंसान कैटेगराइज करता है कि मेरे लिए ये कामयाबी है, किसी के लिए ये है, मेरे लिए ये है तो उसके लिए ये है, मेरे लिए ये था मेरे लिए ये है। हर शख्स के लिए कामयाबी का मायार डिफरेंट है, कोई भी मायार हो, उस मायार को अचीव करने के लिए, अगर उस मायार को अचीव करने के लिए कोई भी चीज रुकावट बनती है तो उसको दूर कर देना कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट को कायद के फरमान के मुताबिक पेशावर यूनिवर्सिटी में कायद फरमा रहे थे कि बेटा याद रखो, हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोके, आपको इलम हासिल करने से रोके, किसी भी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बता रहे थे, हर वो चीज जो आपको आपके टारगेट से दूर करे, आपको आपके मकसद से दूर करे, उस चीज को अपने रास्ते से हटा देना, उन रुकावटों को अपने रास्ते से खत्म कर देना ही कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट में कुछ चीजें हैं, एक बड़ा लेसन इसके ऊपर आएगा, लेकिन आज की हद तक, क्योंकि हमने आपको वो 5 सीक्रेट बताने हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी और इसी सीक्रेट के मुताबिक एक तमहीद कि आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें पैदा कर लें। शाह साहब, अपनी जिंदगी में कुछ चीजें पैदा कर लें, सबसे पहले प्रोक्रास्टिंग, अपने अंदर ताखीरी हरबे खत्म कर दें, ये 2-3 चीजें अपनी जिंदगी से निकालें, 2-3 चीजें अपने अंदर डाल लें, अपने अंदर ताखीरी हरबे खत्म कर दें। आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई जॉबियन हैं, आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं या आपका कोई टारगेट है, कोई भी चीज है, अगर आप इसको इसके पीछे वर्क कर रहे हैं तो ताखीरी हरबे खत्म करेंगे तो आप प्लस पॉइंट की तरफ जाएंगे। अपने अंदर से नेगेटिविटी को खत्म कर दे, नेगेटिविटी क्या है इसको भी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर बताएंगे कि क्या क्या रवैये इंसान के जो नेगेटिविटी कहलाता है, क्या क्या रवैये हैं जो ताखीरी हरबे कहलाते हैं। अपने अंदर से आपने ताखीरी हरबों को खत्म करना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, अपने अंदर से खौफ को बाहर निकाल देना है, निकाल के फेंक देना आपने, हर वो खौफ, फेलियर का खौफ अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना आपने। तो ये चीजें अपने अंदर से निकालें, अपने अंदर पैदा करें पॉजिटिविटी, अपने अंदर एक हेल्दी बॉडी, एम्ब्रेसिंग हेल्दी, अपनी बॉडी को, अपने आप को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें और हार्डवर्किंग का प्लान कर लें तो आप इंशाल्लाह ताला इस सीक्रेट को पा लेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपको इस टॉप सीक्रेट को, कामयाबी के टॉप सीक्रेट को, कामयाबी के टॉप सीक्रेट को बार बार यूज कर रहा हूं,
उसको आपको कामयाब करने के लिए, चाहे जॉबियन है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप टारगेट अचीव कर रहे हैं या प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनको आप अपने अंदर इन्वॉल्व कर लें, इस सीक्रेट को अडॉप्ट कर लें, तो याद रखें कि ये चीज आपको पैसा कमाने में आपकी हेल्प करेगी, आपको इज्जत देने में हेल्प करेगी, शोहरत देने में आपकी हेल्प करेगी। ओके गाइज, कायद का फरमान के मुताबिक हमने आज का ये प्रोजेक्ट, आज का ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया है, इसमें 5 सीक्रेट मैंने मैनेज किए हैं, निकाले हैं कुछ ऐसे 5 सीक्रेट जो आपकी लाइफ को कामयाबी की तरफ ले जाएंगे। कामयाबी आपके जहन में होनी चाहिए यहां पे, क्या आपकी इज्जत है, शोहरत है या पैसा, क्या करना है आपने, ये फेम है, क्या है, जो भी आपने करना है उसके रिगार्ड ये 5 सीक्रेट हेल्प आउट करेंगे आपको। सबसे पहला हेल्प याद रखें आपका जो सीक्रेट है, डू नॉट स्टॉप लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को आपने अपनी लाइफ में स्टॉप नहीं करना। सरकार रिसालत माव रहमतुल्लाह आलमीन ने फरमाया है, हर मजहब में एक चीज बताई गई है कि भाई लर्निंग प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है। रिसालत माव ने फरमाया, इलम हासिल करो गोद से लेके गोर तक। तो क्यों नहीं करते हो बताएं, क्यों नहीं करते हो? इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहला जो टूल है आपका, पहला टूल, पहला सीक्रेट, डू नॉट स्टॉप लर्निंग प्रोसेस इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, इन योर प्रोजेक्ट, इन योर टारगेट, इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में अपने जो भी काम कर रहे हैं इसमें आपने इन चीजों को खत्म कर देना है, और कभी आपने लर्निंग प्रोसेस नहीं छोड़ना, आपने जहन में रखना है कि एक इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, इन शॉर्ट बता देता हूं, यूट्यूब के ऊपर जो हम वीडियो भेजते हैं इसका एक प्रॉब्लम ये भी हमें कि इसको शॉर्ट रखते हैं ताकि लोग इससे कुछ हासिल कर लें। इन शॉर्ट बता देता हूं आपको कि डू नॉट स्टॉप लर्निंग प्रोसेस, जो आपने अपना किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, जहां भी वर्किंग कर रहे हैं, जो मूव आपने ले लिया है, अगर उस मूव का पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट को आपने कैरी ऑन करना है। आपने जहन रख लेना है कि इस मूव की वजह से, इस हरकत की वजह से आपकी जो भी वर्किंग है उसमें प्लस पॉइंट आए हैं, आपको फायदा हुआ है, तो उसको आपने जेन मशीन कर लेना है कि इस मूव को बार बार रिपीट करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा। और वो अगर रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं तो मूव को उसी हिसाब से शिद्दत बढ़ाएंगे आप, ठीक है। और अगर किसी भी जगह पे किसी मूव की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ या फायदा नहीं हुआ, नुकसान है फायदा भी नहीं हुआ, तो उस मूव को आपने स्टॉप कर देना है, लर्निंग प्रोसेस जारी रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है, हर इंसान अपनी जिंदगी में प्लान करता है, किसी भी कोई बिजनेसमैन है तो वो प्लान कर रहा है, कोई जॉबियन है तो उसका भी प्लान है अपनी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर जस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग है तो उसका भी प्लान है कि ये करना है, अगर कोई टारगेट बेस्ड अपनी लाइफ गुजार रहा है तो उसके यहां पर उसके भी एक प्लान चल रहा है, उस प्लान को आपने सारी जिंदगी फॉलो करना है। प्लान में होता है कि पहले मैंने ऐसे स्टार्ट करना है, टेक एक्शन करना है, देन अपने उसको मूव करना है, फॉलो करना है, फिर इसको शिद्दत से बढ़ा देना है, जब बढ़ा देना है तो उसके बाद आगे सक्सेस की तरफ जाना है। एक पॉइंट होता है जहां पे कहता है कि ये मेरी पीक है, इस पीक पे जाके उसका सक्सेस होता है। तो याद रखें, अपने प्लान को आपने फॉलो करना है, आपने फॉलो करना है कि मेरा प्लान है, प्लान को मेंटेन करना है, बार बार उसको फॉलो करना है, मेंटेन रखना है प्लान को। ये आपकी दूसरी या दूसरा सीक्रेट है आपकी लाइफ में, ठीक है जी। उसके बाद आपने याद रखें, आपकी जो पैशन है ना आपका, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन फैंटेस्टिक होनी चाहिए। मतलब अपने पैशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, पैशन को कैसे पॉजिटिव मैनर में आपने इसको यूज करना है, याद रखें ये आपकी कामयाबी का अगला गुर है। उसके बाद दोस्तों याद रखें, अपना जो प्लान आप कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा सर कि कामयाबी से हम कमाएंगे कैसे, ओ भाई ये चीजें अपने अंदर डेवलप कर लें, आप जॉब में भी कामयाब हो जाएंगे, आप अपने बिजनेस में भी कामयाब हो जाएंगे, आप अपने उसमें प्रोजेक्ट में भी कामयाब हो जाएंगे, आप अपने उस टारगेट, जो टारगेट बेस्ड लाइफ गुजार रहे हैं उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी क्या है? पैसा कमाना, शोहरत हासिल करना और इज्जत हासिल करना। तो ये चीज याद रख लें कि अगर आप अपने पैशन को उस हिसाब से यूज करेंगे अपनी लाइफ में, नई से नई चीज अपनी लाइफ में, न्यू से न्यू चीज को ट्राई करें,
आपने ट्राई करना है अपनी लाइफ में, आपको गौर कर रहा हूं मैं स्पेशली, अपनी लाइफ में आपने ये चीज ट्राई करनी है कि अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि मुझे इस जगह पे जाके कुछ नई चीजें चाहिए, कुछ नई चीज को ट्राई कर लेना चाहिए जो ऑलरेडी प्लान नहीं है आपकी लाइफ में, ये प्लान नहीं ऑलरेडी, लेकिन वो नई चीज आप समझते हैं यहां पर आपको फील हो रहा है कि यार इसकी इनपुट जो है मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में, मेरी जॉब में अच्छी होगी, तो आपने डरना नहीं है। आपने उस चीज को, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, चार है, जितनी भी होती हैं, आपने उनको ट्राई करना है। जब ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा कि ये ठीक है या गलत है, फिर वो लर्निंग प्रोसेस के जरिए अगर तो ठीक है न्यू चीज, तो आपने उसको ऐड कर लेना है, अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर लेना है, आपने उस चीज को शामिल कर लेना है अपने उस डेली वर्किंग में, अपने उस प्रोसेस में। एक और चीज, पांचवा सीक्रेट आपकी लाइफ का, ये भी मैं आपको बता दूं, याद रखें कि जब आप किसी जगह पे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे होते हैं, एक एक लाइन ऑफ एक्शन के साथ आप वर्क कर रहे हैं, तो उस लाइन ऑफ एक्शन के साथ हमने याद रखना है, आप सर प्लीज, आपने उस लाइन ऑफ एक्शन में याद रखना है कि जब आप एक लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि इसके सराउंडिंग में दाएं बाएं आगे पीछे कौन सी ऐसी चीज है जो इस प्रोजेक्ट को हिट करेगी, जो कि आपकी जॉब को डिस्टर्ब करेगी, जो आपके बिजनेस के एटमॉस्फेयर को या आपके बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगी, जो आपके प्रोजेक्ट में आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी लाइफ के टारगेट्स में आपको डिस्टर्ब करेगी, हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगी, उसको आपने अपनी सराउंडिंग में नोट डाउन करके उसको निकाल देना है, उसकी रुकावट पैदा करनी है। जब वो रुकावट पैदा करेंगे तो आप याद रखें, ये पांचवा टूल है, ये पांचवा सीक्रेट है जो आपको लाइफ में कामयाब करेगा। इंशाल्लाह आप मेरे इन टूल्स को अपनी लाइफ में, आपके पास हैं, जस्ट आपने इनको पॉलिश करना है। ये तमाम चीजें मैं अपने व्यूअर्स से एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास हैं, ये टूल्स आपके पास हैं, ये आपके पास तमाम जितनी भी क्रिएटिविटी है। आई जस्ट पॉलिश यू, मैंने आपको वो चीजें ऐसे कोने खुदरों से या जहां पे लॉक हुआ हुआ है कोई चीज, उसको वहां से निकाल के ऐसे टेबल के ऊपर रख देना है, ऐसे प्लेट के ऊपर रख देना है, उनको पॉलिश करके आपके सामने पेश कर देना है। जब वो ये चीजें आपके सामने आएंगे, आप कहेंगे हाँ ये चीज तो मेरे में है, जब आप वो देखेंगे चीज है तो आप उसके ऊपर फिर और अमल करेंगे और उसके पास एक्टिवली मूव करेंगे। जब आप मूव कर गए, एक जस्ट आपने सोच के मूव करना है, तो ये सीक्रेट आपको कहां से कहां ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे, या अगर आप आ रहे हैं रिजल्ट तो उससे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ये सीक्रेट अडॉप्ट कर लें, आपको इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। ओके गाइस, व्यूअर्स, अगर मेरा ये प्रोग्राम आज का अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और साथ कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स जो है वो मेरी मोटिवेशन है। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें, स्टे ट्यून्ड विद मी।